द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग सुजन और उस हाथों को देखते हैं जो कि अब कैसल में वापस आ चुके हैं। किंग अब काफी खुश होकर उनसे कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम लोग सेफली वापस आ गए। वह उस हाथों से माफी मांगते हैं कि तुम्हें इन सब में मिक्स होना पड़ा। तो सातो कहते कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों की आदत है। वो सुनकर किंग पूछते हैं आदत है मतलब? ये सुनकर अब उस हाथों फंस जाता है और कहते हैं कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। वह किंग से कहते हैं कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर मैं फॉरेस्ट में काफी बार ऐसे ही जाया करता था, इसलिए आदत है। ये सुनकर किंग कहते हैं ओह ऐसी बात है क्या, वैसे रेस्क्यू स्क्वाड की ट्रेनिंग ऐसी चल रही है। ये सुनकर अब उस हाथों वापिस से फंस जाता है क्योंकि वहाँ पर रोज खड़ी होती है और वो कुछ गलत बोलेगा तो रोज उसे मार देगी। वह किंग से कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा मजेदार चल रही है। ये सुनकर किंग भी खुश हो जाती है कि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है। वहीं पर अब उस हाथों की बात सुनकर रोज एक स्माइल करती है। वो देखकर उस हाथों सोचता है कि शायद से रोज यही चाहती थी कि मैं यही बोलूं, अच्छा हुआ मैं बच गया, वो मुझे कितना टॉर्चर करके रखती है। तभी किंग कहते हैं कि हम लोग सुजने की ट्रेनिंग को वापस से रीअरेंज कराएंगे, इसलिए आज के लिए तुम लोग रेस्ट करो। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वहाँ पर एक बंदा आता है और लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब जा सकते हो। वह रोज और सिगले से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, तुमसे बात करनी है। तो वो लोग अब वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं पर उसातो और सुजनो वहाँ से जाने लगते हैं। उसातो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे होंगे। उस बंदे की शक्ल थोड़ी सी ग्रेव थी तो सुजनो से बताती है कि जिस बंदे ने उन्हें वहाँ पर रोका उसका नाम सेरग्यू है। तो उसातो कहते हैं कि वो लोग हमें फायर तो नहीं करने वाले हैं? जिस पर वो कहती है नहीं नहीं मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। उन लोग को देखकर वहाँ पर काजू की दौड़ कर आ जाता है, उसके साथ प्रिंसेस भी होती है। काजू क्या बोल लोगों से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी जब मैंने सुना कि मोस्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला कर लिया और तुम लोग गुम हो गए थे। तो साथ कहते हैं माफ करना तुम्हें हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। वहीं पर प्रिंसेस उन लोगों को बताती है कि काजू की तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था कि वो तुम दोनों को ढूंढने के लिए खुद ही आने वाला था। ये सुनकर सुजने कहती है कि काजू की तो काफी ज्यादा रेकलेस है। तो साथ उसे कहते हैं कि रेकलेस तो तुम भी हो, एक छोटा सा मंकी तुम्हें काट गया था। ये सुनकर काजू की साथ उसे कहते हैं कौन सा छोटा सा मंकी। तो साथ अब उसे बताने वाला होता है लेकिन सुजनो उस हाथों के मुंह को पकड़ लेती है और उस हाथों को कुछ बताने नहीं देती है। और अब अगले सीन में वो लोग बाहर बैठे होते हैं। काजू की उस हाथों से बताता है कि रोज ने मुझे कहा था कि तुम दोनों ठीक होगे और तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। वो सुनकर मैं काफी शांत हो गया था, रोज को तुम पर पूरा भरोसा है। तो सातो मन में कहते हैं कि काजू की कितना अच्छा पर्सन है, रोज इतनी भी अच्छी नहीं है जितना वो सोच रहा है। वह उसे कहते हैं कोई बात नहीं तुम समझ भी नहीं पाओगे, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। ये सुनकर काजू की कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा बातें करने के बाद अब वहाँ से चले जाते हैं थोड़े से रेस्ट करने के लिए। वहीं काजुकी कहता है कि मुझे लगता है कि उसातो और सुजने हाल फिलहाल में काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम भी तुमसे काफी ज्यादा क्लोज हो, जब तुम उनके साथ बातें कर रहे थे तो तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो काजुकी कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले हम सभी लोग पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर सीलिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त बन सकती हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना सीलिया करके। तो काजुकी मान जाता है और उसे कहते हैं ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब से मैं तुम्हें सीलिया बुलाऊंगा। ये सुनकर सीलिया काफी खुश हो जाती है और शर्माने भी लगती है। दूसरे तरफ हम लोग किंग को देखते हैं जो कि रोज और सिगले से बात कर रहा होता है। वह उनसे कहते हैं कि हमने उन गुंडों पर इंटेरोगेशन करी जिसने उस हाथों के ग्रुप के ऊपर हमला किया था। वह सेरग्यू से कहते हैं आगे तुम बताओ। तो सेरग्यू बताते हैं कि जब वो गुंडे प्लेन्स को पार कर रहे थे तो उन लोगों ने ऐसे मोस्टर को नोटिस किया जो कि नॉर्मल नहीं थे, उसी के बाद से उनके ऊपर फॉल बेयर्स ने हमला कर दिया था फॉरेस्ट के अंदर। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अगर वो गुंडे सच बोल रहे थे तो वो बेयर्स प्लेन को छोड़कर भाग रहे होंगे, बस जरूर किसी चीज से डर के भाग रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जिससे वो डर के भाग रहे थे और फाइनली वो आर्मी अब हमारी तरफ ही आ रही है। ये सुनकर सिगलिस कहता है कि पिछली बैटल की तरह वो लोग अब हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, वो लोग अपनी पूरी पावर लगा देंगे हमारे किंगडम को कैप्चर करने के लिए। ये सुनकर किंग कहते हैं हाँ वो लोग ऐसा जरूर करेंगे। सिगलिस तुम जाके बाकी कमांडिंग ऑफिसर को मैसेज दो कि वो लोग रेडी हो जाएं और आर्मी को वो लोग भेजने के लिए कभी भी तैयार रहे। तो सिगलिस कहते हैं ठीक है और वो चला जाता है, जिसके बाद किंग सेरग्यू से भी कहते हैं कि तुम बाकी मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करो। तो वो मान जाता है और अब वो भी चला जाता है। वहां पर अब रोज अकेली बसती है। किंग अब उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, ये में रेस्क्यू स्क्वाड के कैप्टन को नहीं देना चाहता था लेकिन। तो रोज उसे कहती है कोई बात नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं देख कर आऊं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी कहां तक पहुंची है। तो किंग कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूं, माफ करना ये काम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। तो रोज उसे कहते हैं कोई बात नहीं मुझे पता है कि इस किंगडम में सबसे तेज मैं ही दौड़ती हूं, इसलिए मुझे ये काम मिला है, मैं जाती हूं। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है तभी किंग उसे रोककर उसके पास आते हैं कि क्या तुमने सोचा है कि क्या तुम वापस से बैटालियन कमांडर बनोगी। तो रोज कहती है नहीं जितना आपको लगता है मैं उसे ज्यादा गिल्ट को सहन कर रही हूं। तो किंग उसे कहती है कि तुम एक पहली हीलर हो जो बैटालियन कमांडर बनी थी, तो फिर तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों करती हो। तो रोज कहती है मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है। तो किंग कहते हैं इसका मतलब तुमने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया। तो रोज कहती नहीं मैंने नहीं किया, आखिरकार मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मैंने अपने सबोर्डिनेट्स की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी हीलिंग उन्हें वापस से जिंदा नहीं कर सकती है। मेरी राइट आंख के ऊपर एक स्कार हो गया है, ये मुझे उनके बारे में कभी भी भूलने नहीं देता है। वो सुनकर किंग कहते हैं लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों सब कुछ सहन कर रही हो। तो रोज कहती है कि उस बर्डन को मुझे सहन करना होगा, वो
सभी लोग इसलिए मरे क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। तभी मैंने रियलाइज करा कि भले तुम कितने भी ज्यादा स्किल्ड हो या फिर कितने भी ज्यादा तुम ट्रस्ट वर्दी हो, जब तुम मर जाते हो तब सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका एक पनिशमेंट है, ये कभी भी मेरे पापा को मुझे भूलने नहीं देता है। इसलिए मैंने रेस्क्यू स्क्वाड को क्रिएट किया है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए। तो किंग कहते हैं, पिछले 2 सालों की बैटल में रेस्क्यू स्क्वाड ने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुमने अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं किया है? तो रोज कहती है, नहीं, एक और रीजन है जिसकी वजह से रेस्क्यू स्क्वाड एग्जिस्ट करती है। मैं कैसे सबोर्डिनेट ढूंढ रही हूँ जो कि कभी नहीं मरेगा? ये सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। तो रोज कहती है, इसी वजह से तो मैं अपने सबोर्डिनेट्स को ट्रेन कर रही हूँ। हीलिंग मैजिक एक ऐसा डिटरमिनेशन जिससे कि एक पर्सन अपनी लिमिट को पार कर सकता है, और एक ऐसी हिम्मत जो कि अपोनेंट के सामने वो कभी नहीं हारेगा। मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर ये तीनों पावर्स हो। वो सुनकर किंग कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो सातो है। तो रोज कहती है, उस सातो वो पर्सन है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। उसके इंस्टिंक्ट, एडेप्टेबिलिटी और जीने की इच्छा, और सबसे बेस्ट उसकी बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानता है। वो अपने अराउंड के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। भले मैं उसे कितनी भी खतरनाक ट्रेनिंग दे दूं, वो ट्रेनिंग को पार कर देता है। वो कभी हार नहीं मानता है। वो मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो लोग मर गए हैं। इसलिए मैं इतनी ज्यादा डिटरमाइंड हूँ उसे एक आइडियल हीलर बनाने के लिए। माफ करना, मैं काफी ज्यादा बात कर रही हूँ, मैं अभी बॉर्डर पर जा रही हूँ। ऐसा बोल करो चली जाती है। वहीं पर अब उसातो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर वापस आता है और देखता है कि वहां पर एक लेटर पड़ा है। एलेक उसे बताते हैं कि इस लेटर को रोज रखी गई है तुम्हारे लिए। ये सुनकर उसातो उस लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कल उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है बल्कि उसे कहीं पर एक लेटर को डिलीवर करना है। जहां पर उसे वो लेटर देना है उस जगह का लेटर रोज ने उसे बनाकर दे दिया है। वो एलेक से पूछता है कि कैप्टन कहां गई है? तो कहते पता नहीं, रोज बस मुझसे यूं कह रही थी कि वो डिनर के समय पर होगी नहीं। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज बना रही होती है और वो ब्रिज कंप्लीट होने वाला है। वहीं पर उन लोगों को कमांड कर रही होती है एमिला। वहीं पर वो ब्लैक नाइट भी होता है। वो एमिला से कहता है, फिर से नहीं, तुम कुछ ज्यादा इस बारे में एक्साइटेड हो रही हो, ये काफी अनोइंग है। ये सुनकर एमिला उसके पास आती है और कहती है, ये क्या तरीका हुआ? मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। तो ब्लैक नाइट उसे कहते हैं, सॉरी, हम लोग तो वैसे भी सेकंड आर्मी में इक्वली हैं। तो एमिला कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम मेरी कमांड के अंडर में हो तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना होगा। वो सुनकर ब्लैक नाइट कहता है, ठीक है, ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है और कहता है कि जब ब्रिज रेडी हो जाए मुझे बुला लेना। तभी हीरी लोग वहां पर आता है और एमिला से कहता है, लगता है तुम परेशानी में हो। उसे देखकर एमिला उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस थोड़ी सी मदद करने आया हूँ, ब्रिज बनने का काम काफी अच्छे चल रहा है। तो एमिला उसे कहती है, कुछ ही घंटे में ब्रिज रेडी हो जाएगा, उसके बाद फाइनली हम लोग लिंगर किंगडम में इन्वेड कर पाएंगे। तभी एमिला के साथी उसे बताते हैं कि दूसरी साइड पर एक पर्सन है और शायद से वो दुश्मन है। वो सुनकर एमिला कहती है कि उस पर्सन को इग्नोर करो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक वो किंग को इसके बारे में बताने जाएगा हम लोग ब्रिज बनाकर वहाँ पहुँच भी जाएंगे। तभी हम लोग उसी पर्सन को देखते हैं जो कि काफी बड़ा पेड़ उठाकर उस ब्रिज की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। ये देखकर एमिला काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी दूर से कोई पेड़ को उठा के कैसे फेंक सकता है। वो बच्चे देखते हैं और उसे पता चलता है कि वहां पर तो रोज होती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि पिछली वॉर के अंदर भी उसने रोज के साथ फाइट करी थी। वह अब रोज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका नाम चिल्लाती है। वहीं पर अब रोज को दिखाया जाता है जो कि वहां से काफी तेजी से भाग जाती है और कहती है कि रिकॉनेसेंस मिशन था, मैंने ब्रिज तोड़ दिया है, कम से कम अब हम लोग को थोड़े दिन मिल जाएंगे, ब्रिज को रिपेयर करने में इन्हें थोड़े दिन लग जाएंगे, इतने में हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। वहीं अगली सुबह हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि मैप में से देखता हुआ जा रहा होता है कि आखिरकार उसे कहां जाना है। उसातो देखता है कि रोज ने जो उसके लिए मैप बना कर दिया है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड है। वो कहते हैं कि रोज तो मैप बनाने में अच्छी है। वो अब देखता है कि शहर में जितने भी लोग होते हैं वो उसे ही देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। वहीं पर उसातो सोच रहा होता है कि सभी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, आज तो मेरे से ब्लरिंग भी नहीं है, मैं तो बस शहर में ऐसे ही नॉर्मली चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों आ रही है। तभी उसे वही दादी दिखती है जो कि फ्रूट सेल कर रही होती है। वो उसे कहती है कि आज काफी ताजे फ्रूट आए हैं, क्या तुम लेना चाहोगे? तो सातो कहता है, हाँ लेना चाहूंगा, लेकिन आप पैक करके रख दो, जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें ले जाऊंगा। तो दादी कहती है, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। उसातो वहां से चला जाता है। वहीं पर अब उन लोग को वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि छुपके से उसातो को देख रही होती है। अगले सीन में उसातो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना था। वहां से उरुरु बाहर आती है और सातो से कहती है, तुम रेस्क्यू स्क्वाड की मेंबर हो है ना, तुमने हाल ही में ज्वाइन किया? तो सातो कहते हैं हाँ। वो अपना नाम बताने वाला होता है तभी उरुरु कहती है, रुको मुझे तुम्हारा नाम बताने दो। वो कह रही होती है, तुम्हारा नाम उसागी है ना या फिर बिल्ली है, क्या नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसातो अब उसे बताता है, मैं नाम उसातो है। वो सुनकर वो कहती है, हाँ याद है उसातो, मेरे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था, मैं नाम मुरुरु है और मैं 18 साल की हूँ। तो उसातो कहते है कि मैं तो 17 साल का हूँ। ये सुनकर वो कहती है, तुम तो मुझसे 1 साल छोटे हो। उसातो अब उसे कहते है कि तुम मोर्गा की छोटी बहन हो है ना, तुम भी एक हीलर हो है ना। जिस पर वो कहती है, हाँ तुम अभी हमारे क्लिनिक में खड़े हो, इसे मैं और मेरा भाई चलाते हैं, तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। तो उसातो उसे पूछते है कि ओर्गा कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि ओर्गा एक पेशेंट का इलाज कर रहा है।
क्या तुम देखना चाहोगे? वो अब चुप कर उस सातो को दिखाने लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि ओरगा काफी ज्यादा फोकस करके एक बच्चे का इलाज कर रहा है। वो देखकर उस सातो शौक होकर कहता है कि ओरगा के मैजिक का कलर काफी इंटेंस है और फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ है। ये तो मेरे बिल्कुल अपोजिट है। ओरगा अब उस बच्चे का काफी अच्छे से इलाज करता है और अब वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो गेट की तरफ देख कर कहता है कि ये लोग कौन है। तो अब ओरगा भी वहाँ पर देखता है और देखता है कि वहाँ तो उस सातो है। उस सातो से बात करने के बाद ओरगा को पता चलता है कि उस सातो यहाँ पर एक लेटर डिलीवर करने के लिए आया है। वो उस सातो का शुक्रिया करता है इतनी दूर आने के लिए। तो सातो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक दिन तुम्हारी क्लिनिक में आना चाहता था। तभी उरुरु सातो से पूछती है कि रेस्क्यू स्क्वाड में सभी लोग कैसे कर रहे हैं। तो सातो से बताते हैं कि सभी लोग तो वैसे ही हैं जैसे गुंडे होते हैं। ये सुनकर उरुरु खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब सभी लोग वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, यानी वो ठीक है। वहीं पर हम लोग को ओरगा को दिखाया जाता है जो कि लेटर को पढ़कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उस सातो उरुरु से कहते हैं कि तुम भी रेस्क्यू स्क्वाड की पार्ट हो है ना, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं दूसरों को हिल करने में बेहतर हूँ, लेकिन मैंने कोई टिसले किया था क्योंकि मैं ओरगा को टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है, जब हम लोगों ने पहले ज्वाइन किया था तो रोज अपनी फुल पावर लगा देती थी हम लोग को ट्रेनिंग देने में। ये तब की बात है जब रोड ने रेस्क्यू स्क्वाड को बस शुरू ही किया था। हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ। रोज जो मुझसे ट्रेनिंग कराती थी वो मुझसे नहीं हो पाती थी और मैं भी थोड़ा रोज से डरने लग गई थी। उस समय पर लगता था कि रोज काफी ज्यादा डेस्परेट है, लेकिन अभी देखा जाए तो रोज काफी ज्यादा खुश है। वो सुनकर सातो मन में कहता है कि रोज तो खुश होगी ही क्योंकि उसे मुझ जैसा एक पंचिंग बैग जो मिल गया है जिसे वो मारती रहती है। तभी वहाँ पर एक बंदा काफी हड़बड़ी में आता है और ओरगा से कहता है जल्दी आ जाओ, मेरा दोस्त छत रिपेयर कर रहा था और वो वहाँ से गिर गया और दो लोग और इंजर्ड हो गए हैं। ये सुनकर ओरगा कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। वह सातो से कहते हैं कि क्या तुम भी आ सकते हो, जिस पर वो कहते हैं ठीक है। जिसके वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि तीन लोग घायल पड़े हुए हैं। वहाँ तक पहुँचते ओरगा काफी ज्यादा थक जाता है तो उरुरु बताती है कि तो हर बार का है। ओरगा उन मरीज के पास जाता है और कहते हैं कि हमें जल्दी से इन्हें हील करना होगा। वो सातो की मदद मांगता है तो सातो अब उस बंदे के पास जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कि आज तक मैंने सिर्फ अपने आप को हील किया है और ओरगा और सुजने को हील किया है, पर उनकी चोट इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी। तो क्या मैं इस बंदे को हील कर सकता हूँ? लेकिन जब वॉर शुरू हो जाएगी तब तो मुझे इससे भी खतरनाक चोटों को हील करना होगा, वो भी वॉर के बीच में। इसी वजह से तो इतने समय से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसका तो काफी घबराया हुआ होता है। तभी ओरगा उसे कहता है शांत हो जाओ, तुम किसको हील कर रहे हो और कहाँ पर हील कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास उन्हें हील करने की ताकत है, तुम्हें बस अपने आप में बिलीव करना होगा कि तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर उसातो को याद आता है कि काजुकी ने उसे बताया था कि रोज उसातो पर पूरा भरोसा करती है। वो याद करके उसातो कहता है हाँ, रोज भी मुझ पर भरोसा करती है, इसे मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। वो अब ओरगा का भी शुक्रिया करता है उसे मोटिवेट करने के लिए, जिसके बाद वो काफी ज्यादा फोकस करके उस बंदे की चोट को हील कर देता है। और अब अगले सीन में वो लोग उन बंदों को हील करके वापस जा रहे होते हैं। ओरगा उसातो से कहते हैं कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुमने उन लोगों को बचा लिया। तो सातो कहते हैं क्या मैंने सही में इतना अच्छा काम किया? तो उरुरु से कहती हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जिस बंदे को तुम हील कर रहे थे वो बंदा खुद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये सुनकर सातो काफी खुश जाता है। वहीं पर ओरगा उसे कहता है कि जब भी तुम फ्री हो जरूर हमारे क्लिनिक में आना और हमारी मदद करना। तो सातो कहते हैं ठीक है मैं वापस जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अब वहाँ से चला जाता है। वहीं अब उरुरु ओरगा से कहती है कि जब तुम सातो को एडवाइस दे रहे थे तब तुम काफी कूल लग रहे थे। वो सुनकर ओरगा कहता है नहीं, इतना भी वो खास नहीं था। वह उसे बताता है कि रोज ने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि हम लोग को वॉर में जाना होगा, डीमन लॉर्ड की आर्मी काफी ज्यादा पास आ चुकी है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन सातो के पास बैटल फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सातो को अपनी खुद की एबिलिटीज पर ही कॉन्फिडेंस रखना होगा। मुझे लगता है कि रोज को पता है कि वो क्या कर रही है, ऐसे में वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो अब उरुरु कहती है इसका मतलब वॉर शुरू हो रही है। तो ओरगा उसे गले लगा लेता है और कहते हैं हाँ, और उसे कहते हैं चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर अब उरुरु थोड़ी सी घबराई हुई लग रही होती है। अगले सीन में हम लोग सातो को देखते हैं जो कि उन्हीं दादी जी के पास आकर फ्रूट्स ले लेता है और उनका शुक्रिया करता है। वह वहाँ से जा रहा होता है और फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा होता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं। तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसे देखकर सातो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लड़की उसे कहती है कि इस चीज को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, इसलिए ये एक फ्यूचर है जिसे तुम चेंज कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो सातो के ऊपर अपनी कोई आंख की पावर का यूज करती है, जिससे कि अब सातो को वॉर का सीन दिखने लगता है जहाँ पर सभी डीमंस लिंगर किंगडम के सभी नाइट्स को मार रहे हैं। वहीं पर उसे वो ब्लैक नाइट भी दिखता है जो कि काजुकी और सुजने को अपनी तलवार से मार देता है। ये सब देखने के बाद सातो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या था। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करी है, अभी तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसे रीपे करो मेरी भी मदद करके। ऐसा बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है। वहीं पर वो सातो हैरान होकर कहता है क्या। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।